नमस्कार, मैं हूं अशोक वर्मा। आप देख रहे हैं टीवी 20 न्यूज। टीवी 20 न्यूज पर देश और प्रदेश की तमाम खबरें देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। रामगढ़ के कंदरापुर थाना क्षेत्र में देर शाम एक 8 वर्षीय मासूम के साथ दुष्कर्म के बाद हत्या कर दी गई है। जानकारी मिलने पर डीआईजी और एसपी मौके पर पहुंचकर पूरे मामले की छानबीन की। वही गांव के ही एक युवक को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। जानकारी के अनुसार कंदरापुर थाना क्षेत्र के आजमपुर गांव में 8 वर्षीय मासूम घर से कुछ दूरी पर लहूलुहान हालत में मिली। परिजनों ने उसे इलाज के लिए अस्पताल ले जा रहे थे कि रास्ते में उसकी मौत हो गई। स्थानीय लोगों ने इस घटना की सूचना पुलिस को दी है। मौके पर पहुंचे एसपी अनुराग आर्य ने बताया कि गांव के युवक लक्ष्मण को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। मामले में एसपी अनुराग आर्य ने क्या कुछ कहा, सुनिए। कल रात में लगभग 9 बजे थाना क्षेत्र कंदरापुर अंतर्गत आजमपुर गांव में एक 8 वर्षीय बच्ची की मृत्यु की सूचना प्राप्त हुई। तत्काल मौके पर जाकर डीआईजी सर व मेरे द्वारा घटनास्थल निरीक्षण किया गया एवं बच्चे के परिजनों से वार्ता की गई। परिजनों व गाँव वालों से हुई वार्ता व छानबीन एवं परिजनों द्वारा गाँव के ही लक्ष्मण उम्र 22 वर्ष, जिसका घर लगभग पीड़ित घर से 100 मीटर की दूरी पर है, इसके द्वारा दुष्कर्म व हत्या की आशंका के आधार पर थाना कंदरापुर पर धारा 376, 302 IPC व पॉक्सो एक्ट के अंतर्गत एक नामजद अभियुक्त लक्ष्मण पुत्र पप्पू माली के विरुद्ध FIR पंजीकृत की गई है। अभियुक्त से हिरासत में लेकर विस्तृत पूछताछ की जा रही है। फील्ड यूनिट द्वारा घटनास्थल से साक्ष्य संकलन किया गया है। मृत्यु का कारण पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद स्पष्ट होगा। साइंटिफिक तरीके से त्वरित विवेचना सुनिश्चित करते हुए अभियुक्त को कठोर से कठोर सजा प्रभावी पैरवी कर सुनिश्चित की जाएगी।